कि जींस लड़कियों को लेकर है, उसको लेकर आप क्या कहें, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा था, काफ़ी उस पर बात भी हुई थी, आपको क्या लगता है कि जो फटी हुई जींस है महिलाएं युवतियाँ पहनती हैं? मैं तो आपसे ही प्रतिप्रश्न करना चाहती हूँ कि आप भी भारतीय संस्कृति के ही पाले बड़े मुझे दिख रहे जितना मैं आप लोगों को जानती हूँ। आपको क्या लगता है? मेरी व्यक्तिगत मान्यता तो ये है कि भारतीय संस्कृति में आपने भी देखा होगा, हमारी दादी नानी, हमारा तो थोड़ा सा भी कपड़ा फट जाता था तो माँ कहती थी बेटा इसको रिजेक्ट करो, दादी कहती थी अब इसको नहीं पहनना, इसको साइड में रखो। तो भारतीय संस्कृति फटे कपड़े को अपशगुन के रूप में मानती है, और इसलिए हमारे यहाँ जो संस्कृति निष्ठ परिवार हैं, जो परंपरागत जीवन शैली को जीते हैं, वो लोग इस प्रकार के कपड़ों को पसंद नहीं करते। जी जी, सोशल मीडिया पर लेकिन पूरा कैंपेन चल गया था, लोगों ने फटी जींस के साथ अपनी तस्वीरें डाली हैं तीरथ सिंह रावत के बयान के विरोध में। अब देखिए आप, ये है एक कैंपेन तो कैसे कैसे चलते हैं, मीडिया से अच्छा कौन जानता। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह से लेकर ये सारे कैंपेन भारतीय संस्कृति को महिमा मंडित तो नहीं करते। इस बात को आप समझ रहे हैं, क्योंकि महिलाएं तो खुद कहती हैं उनकी आज़ादी है, वो जो पहने चाहे फटी जींस हो या जो कपड़े हैं, फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी, आज़ादी की संविधान आज़ादी की स्वतंत्रता देता है, स्वच्छंदता की स्वतंत्रता नहीं देता। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता दोनों में बहुत फर्क है। कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं।